Dreamstime.com audio. जहाँ पर भी रोड का काम चल रहा है, पूरे जंगी पत्थर पे काम चल रहा है रोड बनाने का। कॉल बाजी चलो बंद हो गया, बंद नहीं हुआ। इस पहाड़ को गिरा के इसी पत्थर से आगे इस रोड को बनाया जा रहा है। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, इन लोगों की मेहनत की वजह से ही हमें ऐसे रोड मिलते हैं जहां हम सफ़र कर सकें। इन लोगों की मेहनत को सलूट करना चाहिए। ऐसे दुर्गम जगह पर काम करना बहुत मुश्किल है, सांस भरा काम है। जहाँ से हम बाइक लेके निकलना भी एक बहादुरी वाला काम मानते हैं, वहाँ ऐसे पहाड़ों के नीचे जहाँ से पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है, वहाँ काम करना बहुत जिगरे वाली बात है। चलो चलो चलो, इधर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू। ऊपर देखो, छोटे छोटे से गांव हैं, घर हैं। ये पूरा एक पांगी वैली का एक हिस्सा है। आगे हम जम्मू में प्रवेश करेंगे, लेकिन कितना किलोमीटर आगे जाके करेंगे ये मुझे मालूम नहीं है। हम लगभग 2-3 किलोमीटर आ चुके हैं। आज का सफ़र ज़्यादा नहीं होने वाला है, लगता है कि हम आराम से 2-3 बजे तक, लंच टाइम तक हम फादर वैली होंगे। मौसम भी अच्छा है, मौसम साफ है। मनमोहक दृश्य, पूरी की पूरी नदी झरने के रूप में नीचे बह रही है, और क्या अच्छा म्यूजिक शोर उसका आप सुन पा रहे होंगे। और अभी हम पास कर रहे हैं इस ब्रिज को, यहाँ से आप सुन सकते हैं इस नदी की आवाज़ को। ऐसे बहुत से नज़ारे इन पहाड़ों में देखने को मिलते हैं। अंकल जी की गाड़ी पीछे है, उनको रास्ता नहीं मिला शायद, लेकिन ऐसे ये ऑफ रोड पे बड़े धैर्य से चलना पड़ता है, बहुत धीरज रखना पड़ता है। हम शांत चित्त होना चाहिए, कहीं भी रुकना पड़े तो हमको रुकना ही होगा। रोड ब्लॉक हो गया, उसको खोलने में टाइम लगता है, ऐसी कई सी दिक्कतें हैं जो आ जाती हैं।
रेल रोड तो बहुत अच्छा खासा चौड़ा होने वाला है आने वाले समय में। ये आगे श्रीनगर को जोड़ता है रोड, इसलिए इसको खास तवज्जो दी जा रही है इस रोड पे, लगता है मुझे ऐसे। वो ऊपर एक गांव है, नज़दीक काफ़ी गांव है, 19 पंचायतें हैं इस बांगी वैली की। देखें व्यू, ऊपर बादल हैं, लगता है यहाँ भी हमें रुकना पड़ेगा, काम चल रहा है रोड का, ऊपर से पत्थर गिरे हैं। ठांगी जो मैंने वहाँ दिखाया था आपको, ठांगी का जो फल छोटा सा था, वो ऐसे ये जो फूल है ऐसे फल किसी ठांगी के दरख्त को पेड़ को लगते हैं, इसमें से तोड़ के इसे निकाला जाता है। वो काला भाई निकाल रहे हैं, हाँ ऐसे उसमें से बीज से निकलते हैं और उनमें से आगे फिर उसको तोड़ के उसमें से अंदर से निकाला जाता है। अभी तो चलता है, चला काले निकलो जल्दी, काले निकलो। रोड का काम चल रहा है, नीचे बह रही है चंद्रभागा नदी, जम्मू का बॉर्डर यहाँ से बता रहे हैं कि 4-5 किलोमीटर है। पेशेंस, पहाड़ों में आके पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दी कभी नहीं करना, आराम से जब पूरा रास्ता आपको मिले और आगे जाने वाली गाड़ी आपको इशारा करे कि भाई आप निकल सकते हैं, तभी आप आगे निकलें, तो उसके पीछे पीछे चलते रहें। अभी ये गाड़ी वाले को यहाँ हमें रास्ता दे देना चाहिए था, दे दिया, थैंक यू। यहाँ पर भी कोई होम स्टे है लगता है, यहाँ पर पानी की पाइप्स वगैरह लीक हो रखी हैं, इसीलिए ये कीचड़ बना हुआ है। वैसे यहाँ कोई झरना वरना नहीं है,
आप सामने का व्यू देख सकते हैं, कैसे कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और नीचे बहुत डूंगी खाई है। नीचे हजारों फीट डूंगी खाई है और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। एनी प्रॉब्लम? कीड़ा आ गया? वो नीचे बहुत नीचे बह रही है ये नदी। फकीरा जी के हेलमेट में कोई कीड़ा आ गया था, इसलिए वो रुके। लूज ये ऊपर को रोड जाता है लूज, और ये नीचे को जाएगा रोड, ये किश्तवाड़ को। काले भाई आज दूर उड़ा रहा है और स्टंट मार रहा है बाइक पे, खड़ा होके बाइक चला रहा है काले भाई आज। उसका हाथ टिक गया है बाइक पे और हमारी आंखों में धूल डाल रहा है। लगता है कि फकीरा को भी दिक्कत है मेरे वाली आंखों में कचरा, लेकिन मेरे जैसे बाइक वो भी रोकना नहीं चाहते, लेकिन सनग्लासेस की जरूरत पड़ रही है, अभी स्पेक्ट्रल्स की जरूरत पड़ रही है, गॉगल्स लगाए जाएं। लेकिन पूरा पीछे से खोलना पड़ेगा, हवा में काफी छोटे छोटे से कीड़े हैं जो आंखों में पड़ रहे हैं। आज हमें गॉगल्स लगानी चाहिए थी लेकिन हमने लगाई नहीं। लेंस पे भी घटा आ सकता है, इसे साफ करते रहना चाहिए। आगे अभी तक तो हमें कोई इस रोड में कोई खतरनाक वाली बात महसूस नहीं हो रही, बहुत खतरनाक है। आगे क्या होने वाला वो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि पहाड़ के जब हम उस पर जाते हैं अगला सीन क्या होगा बिल्कुल मालूम नहीं होता। जैसे ही हम पहाड़ की दूसरी साइड मोड़ लेते हैं, कई बार ऐसा सीन बदल जाता है कि पूरे का पूरा हैरान कर देता है। देवदार के ये पेड़ हैं, देवदार के पेड़ों का ये पूरा जंगल है जिसमें से हम अभी जा रहे हैं। आह
ये जो मशीनें चल रही हैं इनसे मालूम पड़ रहा है कि पूरे रोड पे काम चल रहा है। बहुत सारी मशीनें ऐसी हमें मिल रही हैं जिससे मालूम पड़ रहा है कि ये रोड जल्दी एडवेंचर नहीं रहने वाला, अच्छा खासा रोड बन जाएगा। काफ़ी हम नीचे की ओर जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उस नदी को कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे। जब सड़क एक ही साइड पहाड़ के नीचे को जाने लगती है तो ऐसे समझ लेना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं नदी क्रॉस करने वाले हैं। अभी हम देख सकते हैं ज़िगज़ैग बन रहा है, पहाड़ के एक ही साइड हम नीचे जा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो तभी ज़्यादातर हम नदी को क्रॉस कर रहे होते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि हम नदी को क्रॉस करेंगे, काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम। और थोड़ी थोड़ी दूरी पे काम चल रहा है सड़क का। सड़क बनाई जा रही है बहुत जल्दी से, यहाँ पर ही यहाँ से ही पत्थर तोड़कर उनसे ये गटियाँ बनाई जा रही हैं। ये मशीन लगी हुई है, ये मशीन लगी हुई है जो यहाँ से ये पत्थर बना रही है और इन्हीं पत्थरों को पत्थरों का यूज करके इस रोड का निर्माण किया जाएगा। अभी हम नीचे उतर के नदी के पास आने लगे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे क्योंकि अभी हम नदी के बहाव की तरफ जा रहे हैं। हमें जाना है नदी के उल्ट दिशा में, इसलिए मुझे लगता है कि हम कहीं से कहीं ना कहीं पुल क्रॉस करके दिशा बदलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी तो हम जिधर को नदी जा रही है हम उधर को जा रहे हैं और ये नदी छोटा सा पप्पी ये पास से नहीं हुआ, मुझे गाड़ी हटानी पड़ी।